शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय माता दी। जय माता दी। गहना बेटा, आरती शुरू करो। आज की आरती मैं और गौरव करेंगे। आप और गौरव आरती कर लीजिए। गौरव, गौरव पानी पियो। पानी पियो गौरव। क्या हुआ गौरव, तुम ठीक हो? ये लो पानी पी लो। अरे उठो, किसने धक्का दिया? कौन था वहां? अब परेशान मत हो, हम हैं। अब आओ, आओ, आओ। ये पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। हमें महेंद्र साहब से इस हमलावर के बारे में बात करनी ही होगी, लेकिन लेकिन अभी इतनी रात में? नहीं नहीं, वो सो रहे होंगे, उन्हें जगाना भी ठीक नहीं होगा। अभी सुबह जल्दी से उनको हमें ये बात बतानी ही होगी। अब पानी पीजिए। मजा आता है ये देख के जब गहना वंश के करीब जाती है। अगर वंश गहना को छू भी देता है तो गौरव का दिल वॉल्केनो की तरह धड़कता है। बस बहुत हो गया गहना, उर्वशी मैडम के लिए जो भी तुम ड्रामा कर रही हो ना, वो आज सब खत्म हो जाएगा। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है गहना। हमें नहीं सुनना कि तुम इस घर में क्यों रहना चाहते हो। हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा खून खौलता है जब हम तुम्हें वंश के साथ में देखते हैं, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से वापस लेकर जा रहे हैं। इसे तुम जबरदस्ती समझो या जो भी, हम अपने गाँव वापस जा रहे हैं। चलो हमारे साथ। छोड़ो गौरव, गौरव तुम क्या कर क्या रहे हो? ये
गौरव, गौरव छोड़ो हमें, गौरव। कितनी बार समझाया तुम्हें, समझ में नहीं आता कि लड़की को उसकी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाना चाहिए। और कैसे समझाए तुम? हमें समझाने चला है, अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? हमारी पत्नी है ये। इसलिए लेकर जा रहे हैं इसे यहां से दूर, तुम सब लोगों से दूर, ताकि ये तुम्हारी गंदी नजरों से दूर रहे। ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ गौरव, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे दो बेटे हैं, लेकिन हमें विश्वास सिर्फ तुम पर है। हमने तुम्हें अपना बेटे जैसा नहीं बल्कि अपना बेटा माना है, और तुम यूं ही चले जाओगे? और मैं क्या करूं? मैंने अपने पहले पति के सामने भीख मांगी, गिड़गिड़ाई में उसके सामने कि वो मुझे छोड़ के ना जाए, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया। और तुमने क्या किया गौरव? तुमने भी मुझे एक पत्नी का दर्जा नहीं दिया। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूं? बोलो गौरव। और हम हमने हमारे घर की इज्जत, हमारे कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हवाले कर दिया। अगर तुम चले गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा बेटा। उर्वशी को तुम्हारे साथ देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि इतने मुसीबतों के बाद भी से, लेकिन तुम जैसा पति तो मिला उसे, एक अच्छा नेक पति मिला है। अगर तुम चले गए ना बेटा तो उर्वशी के साथ साथ हम सब टूट जाएंगे, सारे रिश्ते बिखर जाएंगे बेटा। हमने तुमसे कहा था कि हमारी सारी उम्मीदें तुमसे, अगर इस घर को कोई बचा सकता है ना तो वो तुम हो। इस तरह से बेजारियों से भाग कर बच जाओ, मत जाओ बेटा। हाँ गौरव, बड़ी मैम सब बिल्कुल ठीक कह रही। गौरव, हम इनके अरमानों का, इनकी उम्मीदों को तोड़कर कैसे जा सकते हैं? और भला हम खुश भी कैसे रह पाएंगे गौरव? तुम ही बताओ हमें। हम नहीं कहना, अब बहुत हो गया है। अब अपनी जिम्मेदारियों को हम अपनी खुशियों के ऊपर नहीं रख सकते हैं। तुम चलो हमारे साथ। मुझे भी छोड़ कर जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो पापा? क्या आप भी मुझे पहले पापा की तरह छोड़ के चले जाओगे? बोलो ना पापा। मत जाओ ना पापा। क्यों जा रहे हो पापा? तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
अपने फर्ज और प्यार के बीच में फंस गए, इतनी बुरी तरह से फंस गए कि जिस प्यार के लिए हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को ठुकरा रहे हैं, वो प्यार हमारे लिए कुछ भी ठुकराने के लिए तैयार नहीं है। हर प्यार ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं भला? क्या करें? हम तुमसे वादा करते हैं प्रिंस, कि एक बार फिर से तुम्हारे सर से एक पाप का साया नहीं उठेगा। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। वाह मेरे बेटे प्रिंस, ये अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि गौरव को इस घर में मजबूती से टिकाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक अमेजिंग हुक्म का इक्का है, मेरा ट्रम्प कार्ड प्रिंस। बेटा अपने पापा के पास जाओ और उनको बोलो कि तुम्हें अच्छे से नाश्ता करा दें, ठीक है? जाओ। वंश जी, आप कुछ ले ही नहीं रहे हैं, एक और पराठा लीजिए ना। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया? कल एक आदमी हमारे घर में घुस आया था, उसे गहना को धमकी दी है कि अगर आपने इलेक्शन से अपना नाम नहीं हटवाया ना, तो फिर वो घर पे फिर से घुस आएगा और आपकी जान ले सकता है वो। गहना बिटिया, हमने तुमसे कहा था ना कि किसी को मत बताना। चिंता की कोई बात नहीं है, हम नेता है और राजनीति में चुनाव के समय ये सब होते रहता है, राजनीति ऐसी होती है। लेकिन फिर भी साहब जी। लेकिन तो दुनिया की हर चीज में होता है, हमने कहा ना चिंता की कोई बात नहीं है। गौरव बेटा, नाश्ते के बाद तुम हमें बैठक में मिलना, कुछ रुपए पैसे का मामला है, तुम्हें समझाना है, हम नहीं कर पाएंगे इसलिए तुम संभाल लेना। जी। देखिए आप ये पूजा का धागा ना अपने हाथ से बिल्कुल नहीं निकालेगा, ये पूजा का धागा आपको बुरी नजरों से बचाएगा। हे माता रानी, इनके प्राणों की रक्षा करना। ठीक है सुधा, हम इस धागे को नहीं हटाएंगे, इस बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है। हमने तुमसे कहा ना कि हम राजनीति में हैं और चुनाव के समय ये ऐसे डराने की कोशिश करते हैं, तुम टेंशन मत लो। वो सब कुछ हम नहीं जानते, बस बहुत डरे हुए हैं। हेलो, क्या बात है महेंद्र चौधरी, कब वापस कर रहे हो पैसा? अगर तुमने टाइम पे पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे चहेते परिवार के सर पर छत नहीं बचेगी। क्या बात है, किसका फोन था? कुछ खास नहीं था, ऐसे ही फोन था। नहीं, आपके चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता, कुछ और बात है। ऐसे ही फोन था, आते रहते हैं फोन। बताइए ना। सुधा, हम कह रहे हैं ना कोई बात नहीं है। आपको हमारे सर की कसम बताइए। देखो सुधा, हम जो तुमसे कह रहे हैं ना ये किसी को बताना मत। तुम्हें याद है पिछले साल गोडाउन में आग लग गई थी, हमारा बहुत नुकसान हो गया था, उसी की भरपाई के लिए हमने इस घर को गिरवी रख के कर्जा लिया था। चुनाव के चक्कर में इतने पैसे खर्चे हो गए कि हम वो कर्जा चुका नहीं पाए। लेनदार का फोन था, पैसे मांग रहा था, कह रहा था कि अगर हमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो इस घर पर कब्जा कर लेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अब हमारा क्या होगा? सुधा तुम चिंता मत करो, हमने एक फाइनेंसर से बात कर ली है, गौरव को हमने इसीलिए बुलाया था, उसे सब कुछ समझा दिया है, वो उस फाइनेंसर के पास जाएगा, उससे बात कर लेगा और पैसे ले आएगा।
हमने गौरव को ये नहीं बताया है कि हमारा घर गिर भी है। सब ठीक हो जाएगा सुना, तुम वादा करते हैं। हे भगवान, हे माता रानी, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? इतने संकट के बादल, इतना दुख। मदद करो माता रानी, हमारी मदद करो। माता रानी, भोलेनाथ, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्यों श्री साहब जो उस हमलावर के बातों को इतना हल्के में ले रहे हैं। अगर सवाल उनकी जिंदगी का है, माता रानी, आज हम प्रण लेते हैं कि अपने पिता महेंद्र जी की रक्षा करने के लिए हम नवरात्रि के 9 दिन में व्रत रखेंगे। हमें शक्ति दो, हमें आशीर्वाद दो कि उस बुरी शक्तियों का छल प्रपंच हम सबके सामने ला सके। हम अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम हो सके। बीच में इतना कुछ हो गया कि हम क्या बताएं आपको। पता नहीं माता रानी क्या संकेत देना चाह रही है हमें। भविष्य का तो हमें नहीं पता, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियों से हमें मुक्ति चाहिए। हम इन घर की चाबियों को किसी को देना चाहते हैं, किसी को सौंपना चाहते हैं। आज ही पंडित जी को बुलवा के हम मुहूर्त निकलवाते हैं, लेकिन असली मुद्दा ये है कि किस घर की देखरेख कौन करेगा, कौन संभालेगा इस घर को। इस घर की सुरक्षा का सवाल है, कौन बनेगा उत्तराधिकारी। सारे गहने जेवर देख लो, पंडित को बुला लो, मुहूर्त निकलवा लो, जो करना है करो, लेकिन चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। ये कंगन तुम्हारी मां ने दिए थे ना? अब हम ये कंगन गहना को देना चाहते हैं। गहना ने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने उसे बेटी माना है, तो बेटी का हक तो मिलना चाहिए ना उसे। सच कह सुधा, तो हमें तुम पर गर्व है, तुम सबका कितना ख्याल रखती हो। अच्छा, हम एक काम करते हैं, ये कंगन गहना को देने से पहले हम माता रानी के चरणों में चढ़ा देते हैं। अब क्या बताएं तुम्हें सुधा, जो गहना का हक है वो तो हम चाह कर भी उसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि तुमने उसके बारे में सोचा। जो हम नहीं कर पाए वो तुम करने का सोच रही हो। ये क्या कर रहे हैं? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? हमें जरूरी काम से जाना है। जरूरी? अपनी पत्नी से ज्यादा जरूरी क्या है गौरव? आज मैंने ब्रेकफास्ट के टेबल पे वंश को नाश्ता सर्व किया, क्या तुम्हें जरा से भी जलन नहीं हुई? अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूं ना गौरव, तो मुझे जलन होती है, तो तुम्हें क्यों नहीं? अगर एक पति अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखता है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने वंश का हाथ छुआ, उसे नाश्ता सर्व किया, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ गौरव? बोलो गौरव। मैं बताती हूँ, तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ फील करते ही नहीं। मुझे कोई हाथ लगाए या कुछ भी करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना गौरव? ऐसा ही है ना? अगर ऐसा है ना, तो आज सबको जाके मैं सारा सच बता दूंगी। प्रिंस को बता देती हूँ कि उसकी हैप्पी फैमिली अब सैड फैमिली होने वाली है। मम्मी पापा को बता देती हूँ कि जिस दामाद को वो बेटा मानते थे, वो उनको कभी भी छोड़कर जा सकता है। बता दूं जाकर?
थोड़ा संभाल के। थैंक यू। ठीक है। किसने कहा कि हमें जलन नहीं हुई थी? किसने कहा? हमें जलन होती है, तकलीफ होती है, हमें खून खौलता है हमारा। जब भी आपको कोई छूता है, लोगों के पास जाने के बहाने ढूंढती हैं। हमें तकलीफ होती है क्योंकि आप हमारी हैं, सिर्फ हमारी और किसी की नहीं। माता रानी के चरणों में तुम्हारे लिए हमने कुछ रखा है, जाओ जाके देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैं ये कंगन आपको देना चाहता हूँ गहना, लेकिन उससे पहले माता रानी का आशीर्वाद लेना है। क्यों ये फिर से गहना के पास जाने की कोशिश कर रहा है? फिर से गहना इसका अपमान करेगी, इसके प्रपोजल को स्वीकार करेगी? माँ ने तो आशीर्वाद दे दिया था, अब आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद दो माँ की, माँ ने जिस लड़की के लिए कंगन बनवाए उसे हम पहना सके। अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।